रात के 8 बज चुके हैं और अंबेडकर नामा के लाइव शो में आपका स्वागत है। कल इस पार्लियामेंट का जो अभी मीटिंग चल रही है, पार्लियामेंट चल रहा है, उसका आखिरी दिन, इसलिए आज हमारी कोशिश थी कि संसद, सरकार, विपक्ष, संसदीय प्रणाली और आजादी से लेकर अब तक अध्यक्ष की भूमिका किस तरह, इस पे चर्चा जरूर की जाए। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से विपक्ष की आवाज दबाई जा रही थी 10 सालों में, मैंने डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से 1952 का एक भाषण कोट किया था, जहां पूना कोर्ट लाइब्रेरी, बार लाइब्रेरी में उन्होंने जजों और वकीलों के बीच भाषण दिया था और उसमें 1931 के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका हवाला दिया था कि विपक्ष चाहे कितना कमजोर हो, उसको डर नहीं महसूस होना चाहिए, उसको स्थगन प्रस्ताव, उसको बातचीत रखने की पूरी आजादी होनी चाहिए। माइनॉरिटी को लेकर भी संसद में काफी चर्चा हुई, राहुल गांधी का भाषण भी है। माइनॉरिटी को लेकर भी 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में ही अंबेडकर ने बहुत शानदार भाषण दिया था कि ये यहाँ के अल्पसंख्यकों ने अपने इच्छा से स्वीकार किया, इसलिए उसके सुविधाएं जो दी जा रही है उसका विरोध जो है, उसका विरोध करना जायज नहीं है। अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति होती है, अगर जरूरत से ज्यादा दबाया गया, भेदभाव किया गया तो राष्ट्र के लिए ठीक नहीं होगा, ऐसा बाबा साहब का मानना था, मैंने पिछले वीडियो में आपको सुनाया था। आज विस्तार से चर्चा इसी विषय पर होगी। दोस्तों, लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं और तीसरे मेहमान संभवतः भी जुड़े। जेपी सिंह साहब एडवोकेट भी हैं, संविधान के जानकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं, लगातार अंबेडकर नामा पर सुनते रहते हैं। पंकज त्रिपाठी साहब ये भी एडवोकेट हैं, उसके साथ टीचर भी हैं, क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं और द लॉजिकल इंडियन नाम से एक बहुत ही शानदार चैनल चलाते हैं। आप अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो इनके यूट्यूब पर जाएं और द लॉजिकल इंडियन को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रोफेसर सुरेश माने साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी लॉयर हैं, वो लॉ के प्रोफेसर रहे हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, वहां से रिजाइन कर दिया और लॉयर होने के साथ साथ वो अब पॉलिटिशियन भी है। पहले बसपा से जुड़े रहे, अब उनकी अपनी पार्टी है, अभी जब ज्वाइन करेंगे तो उनसे बात करेंगे, लेकिन इसी पे चर्चा विस्तार से होगी। आज लॉयर त्रय, तीनों लॉयर होंगे और इसके साथ साथ एडिशनल भूमिका भी है, एक पॉलिटिशियन है, एक टीचर है, एक जर्नलिस्ट है, तो एक शानदार कॉम्बिनेशन है जिसको आपको पूरा सुनना चाहिए और सुनने के साथ साथ आप लॉजिकल इंडियन पर भी जाएं, उनको सब्सक्राइब करें। स्वागत है सर, स्वागत पंकज जी। जेपी सर आप ही से शुरू करते हैं, थीम तो मैंने आज बता दिया। पंकज जी से शुरू किए, चलिए पंकज जी आप ही शुरू करते हैं, जेपी सर से शुरू करते हैं। एक थीम बेसलाइन हमने दिया, बस आप तो एक्सपर्ट हैं उसमें, मैं ज्यादा जानकार नहीं हूँ, यदा कदा अंबेडकर साहब के भाषणों को पढ़ता हूँ जी। नहीं सर, हम लोग वर्तमान के बने कानून को पढ़ते हैं, लेकिन एक इतिहासकार होने के नाते आप उन कानूनों का समाज में क्या प्रभाव रहा है उसको पढ़ाते हैं, उसको बताते हैं, तो आपसे बहुत कुछ समझने को मिल जाता है और ये दोनों मिलकर के पूरकता बनती है, संपूर्णता बनती है। बाबा साहब ने जो ये कहा कि विपक्ष को डरना नहीं चाहिए, इसका अभिप्राय ये है कि सरकार इस तरह से चले कि विपक्ष के लोग न डरे, सत्ता के दुरुपयोग से न डरे। वही बात जी, उनका अभिप्राय ये नहीं है कि जो लोग विपक्ष में डरिए मत, अरे वो तो लड़ेंगे ही, जब सत्ता दुरुपयोग करेगी शक्ति का तो फिर तो क्रांतियां तक होती हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो कहा उसमें सर 2 बातें दिख रही हैं। एक तो बाबा साहब को यह अंदेशा था कि सत्ता में कभी ऐसे लोग भी बैठ सकते हैं जो शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, तो इसी नाते उन्होंने बोला कि आप शक्ति का ऐसा ही प्रयोग करिए कि विपक्ष सदन में अपनी सारी बातें बिना किसी भय के, बिना किसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया सरकार द्वारा गलत तरीके से किए जाने की का सोचे, आराम से जनता के मुद्दे आपके बीच, समाज के बीच, संसद के माध्यम से रख सके और उस पर देश में देश के मुद्दों पर चर्चा हो सके। दरअसल सर संसदीय प्रणाली इसीलिए बनाई ही गई है, इसमें जो ये प्रतिनिधि होते हैं वो जन प्रतिनिधि होते हैं, अपने अपने इलाकों के प्रतिनिधि होते हैं। और इस बार तो मैं समझ रहा हूँ कि 18वीं लोकसभा में जनता का बहुत पार्टिसिपेशन है लाइव देखने में, आम जनता का बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है कि
आम जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। तो सर एक सुखद चीज देखने को मिल रही है कि कोई वहां साउथ से है तो कोई एक्सट्रीम नॉर्थ से है, तो कोई वेस्ट से है, कोई ईस्ट से है, कोई अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की कोई विशेष समस्या लेकर आ रहा है। ये कौन लोग हैं? अलग अलग रूप रंग वेशभूषा भाषा के अलग अलग लोग, कितना सुखद, कितना अच्छा दृश्य है। अगर सदन में सबकी समस्याओं पर एकाकार होकर चर्चा की जाए, सद्भाव से चर्चा की जाए, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए नकारात्मकता, नफरत और इस तरह के वातावरण न बनाए जाए, शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए, तो ये सदन के माध्यम से देश कितना आगे जाएगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है। और देश इस माध्यम से आगे जाएगा यह सोच कर ही हमारे पूर्वजों ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया था। लेकिन बाबा साहब ने जो कहा था, यानी उनको यह आशंका थी कि इस शासन प्रणाली का प्रयोग तभी होगा जब सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके विपक्ष को कमजोर न करे और विपक्ष को बिना किसी भय के अपनी बात रखने का अवसर देती रहे। तो इस तरह से संसद के सम्यक संचालन और अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए जो जरूरी था, उधर बाबा साहब ने आगाह किया था। जी सर। जेपी सर, बाबा साहब जितना कांग्रेस से लड़े, लिख के पढ़ के बोल के सैद्धांतिक रूप से व्यवहारिक रूप से, उतना शायद दुनिया के इतिहास में गांधी और कांग्रेस से कोई नहीं लड़ा होगा। एक मर्यादा की जो संविधान सभा बनी थी उसमें कोई होमोजीनियस संविधान सभा नहीं थी, तरह तरह के लोग थे, मतलब अलग अलग विचारधारा के थे, जमींदार थे, नवाब थे, वामपंथी थे, समाजवादी थे, हिंदुवादी थे, जवाहरलाल नेहरू जैसे डेमोक्रेट थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, तमाम ऐसे डाइवर्स तरह के लोग थे। और उस समय दलित कॉन्शियसनेस का लेवल भी उस समय नहीं रहा होगा उस तरह का जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं। बावजूद इसके जो संविधान बना वो कंसेंसस से बना, लार्जली कंसेंसस से बना। और जब 25 नवंबर को जो भाषण दे रहे थे बाबा साहब संविधान सभा में, तो जो लोग उनके क्रिटिक थे उनको उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपकी आलोचना से मुझे और इस चीज को समृद्ध करने का अवसर मिला। ये संविधान सभा को जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। आप लंबे समय से जर्नलिज्म में हैं, 40 साल से ज्यादा हो गए, आप वकील भी हैं, जो देख रहे हैं वो क्या लग रहा है? जी देखिए सर, ये लोग बड़ी मजबूरी में इन्होंने देश की स्वतंत्रता को स्वीकार किया। जी क्यों? क्योंकि ये शुरू से उस आंदोलन में जुड़े हुए नहीं थे और इनका पूरा प्रयास था कि सत्ता इनके विचारधारा के तंत्र को जो है सौंप करके अंग्रेज जाएं, अंग्रेज उस तरह से ना जाएं जैसे वो गए। और मैं तो इतिहास का छात्र नहीं हूं, लेकिन मैंने काफी कुछ पढ़ा है कि किस तरह की आजादी की आहट को सूंघते हुए जो हिंदू मानसिकता के लोग हैं वो जगह जगह सम्मेलन करके, और जहां उगलते थे कि जो है वो आजाद होने के बाद हम जो अल्पसंख्यक हैं, जिन्होंने जो है इतने दिन तक जो है हमारे ऊपर शासन किया है, उनको हम किस तरह जो है ठीक करेंगे, ऐसा हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। और हो सकता है हमारे पास वो सब किताबें पड़ी भी हो, अगर नष्ट न हुई हो पानी में भींग के, तो उसमें गोरखपुर की बड़ी भूमिका थी। नहीं वो तो ठीक ही, साथ में एक तो किताब ऐसे लिखी गई कि आजादी के रोड़े, कि जो आजादी के बीच में जो बाधा डाल रहे हैं और जो दो राष्ट्र का सिद्धांत शुरू हुआ, वो कहीं ना कहीं हिंदूवादियों को ही इसका जो है विशेष श्रेय दिया जा सकता है, क्योंकि इनके बाद जो है वो मुस्लिम लीग ने जो है वो कि मतलब भाई फिर हमको अलग है कर दो, आप भी अलग रहो हम भी अलग रहें। और ये शुरू से सुहरावर्दी मॉडल चाहते थे, सुहरावर्दी मॉडल ये चाहते थे कि सत्ता इनको सौंपी जाए और जो चुनाव हो तो भाई मुस्लिम मुस्लिम से जीते और हिंदू हिंदू से जीते, सेक्युलरिज्म जो है चला जाए बंगाल की खाड़ी में, और हम लोग मिल करके हम ज्यादा रहे तो हमारा प्रधानमंत्री, वो ज्यादा रहे तो उनका ज्यादा होगा नहीं हमारा ज्यादा होगा। लेकिन ये मामला जो है अब अंग्रेजों को पता नहीं बुद्धि आई, क्योंकि डिवाइड एंड रूल करने के तो वो जो है मास्टर थे, चैंपियन थे।
जैसे भी हो, लेकिन वो जो है वो क्या कहते हैं, इनकी ये मनसा जो है पूरी नहीं हुई। तो ये पहले दिन से कुंडली मार कर, देखिए आप इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी लाइ समझिए, इनको किसी बात की जल्दी नहीं है। अभी नहीं 70 साल बाद, अभी नहीं 100 साल बाद, ये जो है विचारधारा का बीज जो बोते हैं और धीरे धीरे जो है उसका टेंटिकल जो है वो क्या कहते हैं भावना के आधार पर अपने उनके बीच में फैलाते हैं आपसे बता। और एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि सांप्रदायिकता अकेले नहीं होती। हिंदू सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो मुस्लिम सांप्रदायिकता अपने आप बढ़ेगी, मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो हिंदू सांप्रदायिकता अपने आप बनेगी। दोनों एक दूसरे के लिए खाद और पानी का जो है मतलब काम करते हैं आपसे बता। जी। तो ये मामला जो है वो क्या कहते हैं मतलब ये इस तरह इनका चलता रहा। इनको धीरे 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 धीरे, क्यों, ये जानते थे कि हमारा देश उस तरह खुशहाल नहीं है जिसमें सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, बिल्कुल रातों रात बराबरी आ जाएगी, कहीं ना कहीं मांग ज्यादा और आपूर्ति कम का सिद्धांत चलेगा और इसमें जो असंतोष फैलेगा उसको हम जो है वो क्या कहते हैं धर्म के आधार पर उसको जो है काउंटर करेंगे। और ये स्ट्रेटजी इनकी शुरू से थी और उनको कोई जल्दी नहीं थी, और उसके लिए इनको कभी साधन की पवित्रता पर विश्वास ही नहीं रहा। सावरकर की तरह माफी मांगो फिर वही हरकत करो, माफी मांगो फिर वही हरकत करो, क्योंकि इनके लोग तो उनको वीर बनाएंगे ही और बाकी इनका कोई मेंबरशिप एक बात जोड़ेंगे सर, हाँ जोड़िए सर। कह रहा है कि उनके उनके उस सिद्धांत से सत्ता चलेगी तो असंतोष कहाँ उपजेगा। जिसको खाने को नहीं मिलेगा पिछले जन्म का पाप है, वो खुद अपना हाँ खावे। जी, नहीं, और फिर अगर उठेगा भी मान लीजिए तो उठते उठते उठेगा ना, आज की डेट में आगे 5 किलो राशन इस बार फेल क्यों हो गया, आप इस पर भी तो गौर कीजिए। जबकि उत्तर प्रदेश के चुनाव तक और विधानसभाओं के चुनाव तक तमाम जो दलित मित्र हमारे हैं वो कहते थे कि जेपी सिंह कोई अपनी बात नहीं चलेगा और ना बहन जी चलेंगी ना कुछ चलेगा, 5 किलो राशन चलेगा। 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहा था और चला राशन, लेकिन अब की बार क्यों नहीं चला राशन, सर वो 5 किलो क्यों? राशन भी इसलिए इसलिए देना पड़ा है क्योंकि 50 साल संविधान 60 साल चला दिया गया है। पहले तो वो सब सरकार ने ठीक, तो कुछ नहीं नहीं राशन वो दिया सब था। ठीक है, लेकिन वो 5 किलो राशन पर इनकी आ गई, लेकिन इस बार क्यों नहीं चला, क्योंकि इस बार जो उन्होंने संविधान से छेड़छाड़ की गलती का जी जो जनता संविधान को समझ अनाउंसमेंट कर जाती है। दिया तो एकदम इनका ये उजागर हो गया कि अरे इनकी असली मंशा तो ये है। तो असली मंशा जैसे सामने आई वैसे मामला, अब ये इस बार जो आपका जो है सरकार बनी है और ये हर बार अपने को संवैधानिक घोषित करने के लिए इमरजेंसी से लेके तमाम मुद्दों को जो है ये उठा रहे हैं। और अभी जो रतन जी ने कहा सर ने कि जो है जो उस पर हम हाथरस वाले पे करेंगे कि जो बाबा था, जो बाबा के यहाँ जो है कल इतने लोग मर गए, तो इन्होंने संगठित रूप से, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं बिहार और जगह के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं इस बार सरस्वती पूजा के आसपास, सरस्वती सरस्वती पूजा के आसपास ये बलिया बक्सर वगैरह गया था, मैंने देखा पूरे गांव में अगर 3-4 ग्रुप है, मतलब सवर्ण ग्रुप है, सवर्णों में 3 ग्रुप है, दलितों में 3 ग्रुप है, आपके क्या कहते हैं ओबीसी में ग्रुप है, एक है एक गांव में सबको इन्होंने अलग अलग पैसा दे के सरस्वती की मूर्तियां जो है इन्होंने रखवाई, और सबके लिए अलग अलग डेट थी कि ताकि 10 दिन तक उत्सव चलता रहे कि आज ये जो है समर्पित करेंगे जल में, ये कल समर्पित करेंगे, ये परसों समर्पित, और समर्पित करने के लिए भी बकायदे जो है अबीर और बुक्का और जो है साथ में मिठाई खाने का इंतजाम सब ये पैसा फाइनेंस किया गया ताकि निचले स्तर तक जो धर्म की अफीम कही जाती है ना वो पहुंच जाए, और वो पहुंच गई है आपको बता। तो ये अपने जो है साध्य के लिए इनको साधन की पवित्रता का कोई जो है कभी भी जो है कोई गलतफहमी नहीं रही आपको बता, ये उसके लिए किसी भी स्तर तक ये जो है जी उसके लिए जा सकते हैं, उसके लिए गिर सकते हैं। तो ये एक सारा मामला इस तरह है कि वो उस समय संविधान सभा में होते हुए भी उनका जो है लक्ष्य जो है वो और था, वो अपनी मनसा को अपने जो है सीने में छिपा के रखते थे आपके।
लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं या जो उस समय भी जानते थे कि जब देखा उन्होंने कि सुहरावर्दी की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बन गए हैं, तो जानते थे कि अरे इनका तो मोडस ऑपरेंडी वास्तव में ये है, ये किसी भी प्रकार से जो उनके खिलाफ आकर के ये किसी प्रकार से इन प्रकार सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जब आपको इतने कम अल्पसंख्यकों पर आप उनको जो है जिंदा नहीं रहने देना चाहते, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे साथ होता, अफगानिस्तान भी होता जो बहुत बृहत्तर भारत और आर्यावर्त की ये कल्पना करते हैं, बर्मा भी होता, म्यांमार जिसको कहते हैं, तो गानों क्या पोजिशन होती इस समय जो है वो हिंदू और मुस्लिम या उस सब आबादी की स्थिति क्या होती है आप बताइए। उस समय कैसे जो है ये जो बिल्कुल अखंड भारत जो एक इनके एजेंडे में ये भी है कि गांधी और नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए, नेहरू और गांधी उनको बनाने के लिए इन्होंने दो भारत की बात स्वीकार कर दी। अरे जब इतने से है तब तो आपको बर्दाश्त नहीं है, वो सब भी होते तो कहां से आपको बर्दाश्त होता। सर इस पर मेरा मानना ये है कि गांधी और नेहरू या जिन्ना की बात तो जो है जो जनता में चलती है छोड़ देते हैं, जिन्ना को मैं हरा दे रहा हूं इस लाइन से, गांधी नेहरू पर तो लोग आरोप लगाते हैं, वास्तव में ये अपने हाथ में सत्ता पाने के लिए विभाजन करवाए थे। मेरा अपना मानना है कि जिन्ना और इन लोगों की ये आपस की साजिश थी, क्योंकि उस समय भारत जो है गांधी के आगे किसी को नहीं सुन रहा था। तो धर्म के नाम पर अगर विभाजन किया जाएगा तो उधर का तुम ले लो, इधर का हम ले लें, और ये मिलकर इन लोगों ने विभाजन करवाया, द्विराज का सिद्धांत मिलकर, क्योंकि उसके पहले भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार में थे ही, उनके मिलकर गठबंधन की सरकार चला रहे थे। तो ये नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देखिए आप बिल्कुल ठीक, नहीं आपका मानना बिल्कुल ठीक है और वो हमारी बात का इस तरह समर्थन कर रहा है। हमने में दिखी कि जब पंकज जी शहीद हो जाते हैं तो जी जरा कंक्लूड जेबी सर, एक फर्स्ट पेज कंक्लूड कर ले तब इसको आगे बढ़ाते हैं अभी। नहीं मैं आप आपकी बात से मैं सहमत हूं और वो देखिए मेरी बात का इस तरह समर्थन करता है कि जो 1910 के आसपास से जो इनको आहट मिली कि अब हम स्वतंत्र हो सकते हैं और ये जो जगह जगह हिंदू सम्मेलन करके जहर उगलने लगे और उसका जो रिएक्शन दूसरी तरफ हुआ और दोनों की बात जो चली तो कहीं ना कहीं आपकी बात उस बात को पुष्टि कर रही है। और चूंकि इनको तुरंत सत्ता पाने की जल्दी नहीं थी, ये जानते थे कि हम जो है वो क्या कहते हैं एन के एन प्रकार हैं जो है वो सत्ता में आ ही जाएंगे, क्यों, क्योंकि मांग और आपूर्ति में ये पिछड़ेंगे और तब हम जो है उसमें जो है क्या कहते हैं धर्म की अफीम के साथ घुसेंगे और ये घृणा फैलाएंगे कि तुम्हारा जॉब मुसलमान ले रहा है, तुम्हारा मंगलसूत्र मुसलमान ले रहा है। और उसमें बीपी सिंह टाइप के लोग आ गए जिन्होंने जो है आरक्षण को और पुख्ता कर दिया, बैकवर्ड आरक्षण भी कर दिया, उससे वो मामला और जो है प्रेसिपिटेट हो गया। आपको बताओ पंकज जी, जी अब तो जो बात जेपी सर छेड़े हैं, ये सरस्वती पूजा का एग्जांपल दिए हैं, वो तो हर पूजा में आजकल हो रहा है, अब तो वही नहीं, अब तो जात के हिसाब से बाबा लोग ही बनने लगे हैं, हाथरस में एक नया बाबा ने अवतार लिया। जी आवाज आ रही है मेरी, मेरी आवाज आ रही है पंकज जी, पंकज जी मेरी आवाज आ रही है, पंकज जी कुछ बोल नहीं रहे, पंकज जी बोलिए कुछ, पंकज जी अच्छा निकल गए, फिर ज्वाइन करेंगे, निकल लेंगे और ज्वाइन करेंगे, उनका लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ हाँ अभी आ जाएंगे जी। तो ये सर आप ही कंटिन्यू करते हैं फिलहाल, ये तो अब ये तो एक तरह से एक्सटेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है। अब देखिए सर, कोई भी का धन खा बराबर गर नहीं हो सकता, जब भी बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, क्योंकि ये डिजाइन जो है वो सिर्फ तत्कालिक डिजाइन नहीं है, बड़ी लंबी डिजाइन है आपने बता, और जो बड़ी लंबी डिजाइन है तो उसके टेंटिकल्स बहुत पीछे से हैं, आपने चूंकि संविधान सभा से शुरू किया है इसलिए सब बातें आ गई आपने बता। जी, जी, जी। और ये सब बातें आने के अलावा इन लोगों ने संगठित रूप से जिस चीज को आप पूरा नहीं कर सकते, माने मांग और आपूर्ति में जो अंतर का मामला है उसको इन्होंने बड़े उससे जो है वो क्या कहते हैं अल्पसंख्यकों या दलित रिजर्वेशन, योग्यता अयोग्यता, फिर उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन, इन सब चीजों से जोड़ा है आपने बता,
बहुत ही बारीकी के साथ आपसे बता। आखिर जब मंडल लागू हुआ तो तत्काल समंडल की क्या जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि इनको तत्काल लगा कि अगर हम पंप नहीं भरेंगे धार्मिक पुनरुत्थान का तो हम जो है इरेलीवेंट होके जो है क्या कहते हैं सत्ता से बाहर हो जाएंगे, जो स्थिति फिर अभी पैदा हो गई। अब इसके लिए ये क्या डिजाइन निकालेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मामला यही है क्योंकि इस बार जो है वो मंडल हावी हो गया है कमंडल पर, और अब देखिए इसकी काट ये कैसे निकालते हैं। जी इस बार जितनी चर्चाएं चल रही है, चर्चा में तो अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू आते हैं, दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव से आते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज के बीच चर्चा में, लेकिन विचारों में गायब है, चर्चा में सिंबोलिज्म में खूब आ रहे। संसद से बाबा साहब की प्रतिमा भी हट गई, कई आंदोलन भी हुए। देखिए सर, अब भाई जो लोग राजनीति में हैं, जो दिल्ली में सत्ता में बैठे हैं या प्रदेशों में बैठे हैं, अब उनका मोडस ऑपरेंडी तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कुछ भी, क्योंकि मैं तो उसका कोई सक्रिय सदस्य हूं नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि इतने इतने ज्वलंत मुद्दे हैं इसमें, एक राष्ट्रीय स्तर का और जो आपके इंडिया गठबंधन के लोग हैं प्रांतीय स्तर पर उसके साथ साथ मिल करके एक एक दिन अपनी अजमाइश क्यों नहीं कर लेते कि जो है हम किस फूटिंग पर खड़े हैं, ये काल देके कि लोग निकलें और मौन जुलूस निकालें, मौन होकर के सड़कों पर जहां जो हो वहीं बैठ जाए इसके विरोध में। ये जो है ईवीएम पर हो सकता है, ये आपका नीट पर हो सकता है, ये मतलब तमाम मुद्दे हैं, अग्निवीर पर ये हो सकता है, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आप जो है वो एक एक दिन का काल दे सकते हैं, चार चार घंटे का या छह छह घंटे का भी काल आप दे सकते हैं कि भाई बहुत गर्मी है तो दिन में लोग कहाँ धूप में बैठेंगे, भाई शाम को 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटा ये सब पूरा राष्ट्रीय स्तर पर जो है जैसे वो जब वो थाली और ढोलक बजवा सकते हैं तो आप तो जेन्युइन जो है उसके लिए लोगों को जो है प्रेरित कर सकते हैं। आखिर पता कैसे चलेगा कि आपके साथ लोग हैं कि नहीं, आप जिन मुद्दों को हम लोग उठा रहे हैं वो मुद्दे जो है लोग उद्वेलित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या जो स्टेक होल्डर्स हैं जो सीधे प्रभावित हैं उनके मन पर क्या गुजर रही है, वो कैसे इसका विरोध करें या कैसे उनको विरोध करना चाहिए। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्रदर्शन करें, हिंसक प्रदर्शन करें, गिरफ्तारी का आंदोलन दे, आप 2 घंटे का कहिए ना या पूरे देश भर में 4 घंटे का जो है वो क्या कहते हैं मौन जो है वो क्या कहते हैं प्रदर्शन इसके विरुद्ध, फिर आप एक आध महीने बाद दूसरे का दिए, तीसरे का दिए, कम से कम इससे पता तो चले आपका, आखिर कैसे पता चलेगा आप बताइए। जी 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 नहीं, गर्मी में तो चुनाव हुआ, इतनी गर्मी में लोग कैंपेन तो कर ही रहे थे। एक बात कह रहे हैं आपसे, हाँ एक बात हम कह रहे हैं कि भाई आप कम से कम उन्होंने हृदयहीनता की तो आप मत हृदयहीनता कीजिए कि लोगों को मरने के लिए गर्मी में जो है सड़क पर उतार दी, मतलब उस तरह उतार दिए, लेकिन उसका भी वाया मीडिया है कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक, कुछ तो हो सकता है ना। लेकिन आप ये नहीं करेंगे तो कैसे जो है पता चलेगा कि जो है वो क्या कहते हैं लोग, देश की जनता क्या सोच रही है आपको, क्योंकि अब देश की जनता तो जो सोच रही है, अगर सड़क पर नहीं उतरी, लोहिया जी के शब्दों में वो कहते थे ना कि वो जो है क्या कहते हैं जिंदा कौमे जो है 5 साल, नहीं जिंदा कौमे 5 साल इंतजार नहीं करती, तो अब अगर आप अगले स्टेट असेंबली और लोकसभा का इंतजार करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि लोग जो जिंदा कौमे हैं वो क्या करना चाहती हैं, कोई दिशा देने वाला भी तो नहीं है ना, और ना आप दिशा देना चाहते हैं। वैसे अजबी सर बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, और अखिलेश यादव ने ईवीएम का बड़ा मुद्दा संसद में उठाया कि मैं 80 सीट भी जीत जाऊं तब भी ईवीएम पे भरोसा नहीं, नीट का मामला है, अग्निवीर का मामला है, संसद में तो बहस हो रही है, संसद नहीं, में तो बहस हो रही है। लेकिन एक गुणात्मक अंतर है सर, इस बार संसद में राहुल गांधी और अखिलेश डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम अग्निवीर हटाएंगे, हमारी सरकार आई तो हम ईवीएम हटाएंगे, ये अभी इसके पहले 10 साल तक सुनने को नहीं मिलता था। और ये इसका जो है वो क्या कहते हैं अगला जो है अगले लोग इसका जो है कोई जो है मुखर विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। त्रिपाठी जी आ गए हैं, त्रिपाठी जी की बात सुना जाए। त्रिपाठी जी, हाँ इस बार जो है संविधान बहुत चर्चा में रहा, संविधान खतरे में है, ओपोजिशन के लोग संविधान लेकर कैंपेन किए, पार्लियामेंट में भी पहुंचे, और जब मोदी साहब जीत के जब वापस गए तो संविधान को सर झुकाया, इस तरह से
संविधान खत्म होने के मायने क्या है, क्या इसकी घोषणा करके खत्म किया जा सकता है कि बगैर घोषणा के खत्म किया जा सकता है? आपने एक किताब भी लिखा है इस पे संविधान को, जी हाँ, भारत का संविधान, तो क्या घोषणा किए बगैर भी तो इसको इसको इरेलेवेंट किया जा सकता है? अगर खतरे में है तो क्या खतरे में? नहीं सर, ये बहुत ही गजब का प्रश्न है, इसीलिए मैं कहता हूं कि संविधान का सम्मान करना दिखावा हो सकता है, संविधान का पालन करने की बात होनी चाहिए। जैसे सर अभी आपने बहुत अच्छी एक बात कही थी जो एक तत्काल के एक विषय से जुड़ रही है कि इस देश की जनता, कभी बाबा साहब और पंडित नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जी, ये लोग भी जनता थे भारत की, तो कभी भारत की जनता एक मत से हर एक सवाल का जवाब देते हुए संविधान बना सकती है, सहमति से बना रही है। उस समय भी इसी तरह की विविधता भरा भारत था, बल्कि जिन वर्गों की सुरक्षा के उपाय लिखे गए वे वर्ग इतने कमजोर थे कि उनके न होने के बावजूद भी सदन में उनके पक्ष में लिखा गया, महिलाओं के लिए छूट गया है संविधान में, तो बाबा साहब उसके लिए शुरू में ही अड़ गए हैं और उसी के लिए जो है हिंदू कोड बिल, हाँ हिंदू कोड बिल पारित करवाने का वो दबाव बनाए और उन्होंने जो है इस्तीफा दिया, जिसको आज मोदी साहब झूठ बोल रहे थे। लेकिन आज संसद में जब 3 क्रिमिनल लॉ पास कराने के लिए बिल लाए जा रहे हैं, तो सर उसमें सांसदों को नियमों का गलत प्रयोग करते हुए, शक्ति का दुरुपयोग करते हुए निलंबित कर दिया जाता है। क्यों निलंबित किया जाता है? क्योंकि अगर विपक्ष रहेगा तो वो सवाल करेगा कि भाई आपने अगर बदला है तो क्या बदला, और अगर कुछ बदला ही नहीं तो फिर क्यों बदला, अगर बदला तो क्या बदला। सही बात सर ये है कि 535 धारा सीआरपीसी में थी, 39 अध्याय थे, अब वो 39 अध्याय है, 531 धारा है, 9 धारा नई जोड़े हैं, 12 धारा घटाए। मैं अभी इस पर उत्तराखंड में ट्रेनिंग देकर आ रहा हूं एसडीएम एडीएम को, और मैं इस पर बृहद चर्चा करूंगा आपसे। लेकिन बताएं, बताएं। क्या जी सर, तो अब इन्होंने क्या किया, जो 149 सांसदों को निकाला वो क्या था, वही संविधान को कुचलना था। मणिपुर में सर जो हो रहा है, वहां सेना जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, जरूरत पड़े तो वहां लोकल इमरजेंसी लागू होनी चाहिए, अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि कहीं क्षेत्र विशेष के लिए भी इमरजेंसी लागू की जा सकती है, क्यों नहीं आप लागू कर रहे हैं? यानी संविधान के प्रावधानों का प्रयोग न करना जानबूझकर, ताकि उसका राजनीतिक षड्यंत्रकारी विद्वेषात्मक लाभ उठाया जा सके, यह संविधान का पालन है, संविधान को खतरे में डालना है। इससे सर संविधान कैसे खतरे में पड़ेगा? एक तो आज अपालन हुआ, कोई कहेगा तो अपालन से खतरे में कैसे? सर जब दो वर्ग आपस में लड़ेंगे, जैसे हम मणिपुर का ही उदाहरण ले लेते हैं, वहां आज कुकी और मैते ही लड़ रहे हैं, अगर उनके बीच सेना जाती, सेना जाकर उनको रोकती और अपराधियों को पकड़ती, उनको सिस्टम के जरिए, जुडिशरी के जरिए एग्जीक्यूट किया जाता, यानी सजा दी जाती, तो दूसरे वर्ग में बदले की या भय की भावना नहीं आती। लेकिन क्योंकि इन्होंने संविधान को वहां लागू नहीं किया, अब उन दोनों समाजों में इतनी बड़ी खाई खींचेगी कि वहां अगर कोई एक भयग्रस्त हो गया तो गुलाम बन जाएगा, और अगर वो भयग्रस्त इतना नहीं हुआ, लड़ेगा तो संविधान को पहले किनारे रखेगा, पहले लड़ेगा, क्योंकि अब बदला तब तुम कहां थे भाई। तो ये जानबूझकर इस तरह की रवायतें ला रहे हैं, जिससे कि संविधान किताब में तो पढ़ा रहे लेकिन जो उसकी थीम है वो लागू न हो। इसका एक उदाहरण मैं और दूंगा कि जब संविधान की बात होने लगी है तो मोदी जी ने संविधान को सम्मान दिया है। मैं कह रहा हूं संविधान को सम्मान देने की जरूरत नहीं है, पालन संविधान को लागू करने की जरूरत है। संविधान को सम्मान देकर इस पर फिर फूल माला चढ़ाकर वो आडंबर मत करिए। जय श्री राम का प्रयोग आप जो है राजनीतिक नारे के रूप में तो करते ही थे, अब हिंसा के लिए भी करने लगे, बहुत जगह किया जाता है, किसी को हुट करने के लिए जय श्री राम का प्रयोग किया जाता है, तो भगवान राम को तो प्रणाम ही कर रहे हैं, लेकिन आप उस तरह से नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से संविधान के साथ ये काम मत करिए।
संविधान नितांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तार्किक दृष्टिकोण से मानवतावादी और समतावादी लक्ष्य को पाने के लिए बनाया गया है। लेकिन ये इसको या तो पूजा का सामान बनाएंगे और या फिर इसको किनारे लगा देने का एक प्रयास करेंगे। 400 सीट जो मांगने की आवाज उठाई गई थी और उसके पीछे ये भी कह दिया गया था कि 400 सीट मिलेगी तो हम बदल देंगे, दरअसल वो लिटमस टेस्ट था। जेपी सिंह सर ने कहा ना कि ये लोग तो लंबे समय तक इंतजार करते हैं, तो इस चुनाव में किया गया ये प्रयोग था कि क्या जनता संविधान से इतनी नफरत कर रही है, खासकर सवर्ण जनता। मैं सर एक बात कहूंगा, ब्राह्मणों के सवर्णों के दिमाग में इन लोगों ने बहुत हद तक भरा है 10 वर्षों में कि ये संविधान इनके लिए नहीं है, और ये गोलवलकर शुरू में भी भर रहे थे, ब्राह्मणों को अलग करने की कोशिश किए थे, लेकिन पंडित नेहरू के में विश्वास था और समाज में विश्वास था और नेताओं में था, इस नाते लोग नहीं हटे। तो ये भरने में की कोशिश कर रहे थे, इनको लगा कि शायद जब हम कहेंगे हम संविधान बदल देंगे तो हमको समाज वोट दे देगा, लेकिन समाज तो छोड़िए, अयोध्या में ही लोग भिदक गए, हर जगह लोग भिदक गए। तो इनको समझ में आ गया कि अरे भाई संविधान तो बहुत बहुत ज्यादा दिलों में बैठा हुआ है, तो अभी सर इसको छीलेंगे, इसकी परत दर परत ये खराब करेंगे। आप देखिए सर, हम लोग के बचपन में क्या होता था, हमारे यहाँ रामलीला होती थी, मैं 13 साल राम का रोल किया हूँ, 86 में मैं राम लक्ष्मण बनता था, हमारे यहाँ पहला घर शुरू होता था एक मुसलमान का और वहां से रामलीला का चंदा कटता था, मतलब कोई ये नहीं कि किसके घर चंदा कटेगा, सबसे चंदा कटता। ऐसे ही रोजा जब लोग रखते थे तो हमारे गांव में थोड़े गरीब परिवार मुसलमान के रहते थे, साईं और दर्जी लोग, तो हम लोगों के घर से गुड़ जाता था, लोग चना भून के देते थे, मस्जिद में जाते थे, बच्चे पहुंचाते थे, ये आदर था, ये प्रेम था एक दूसरे का। आज इन्होंने क्या किया, उसको छील दिया। तो संविधान का जो भाव है कि सबको लेकर चलना, समानता तभी आएगी जब बंधुता रहेगी, इन्होंने व्यक्ति की गरिमा हटाकर पद की गरिमा ला दिया। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है व्यक्ति की गरिमा बढ़ाई जाएगी, और ये क्या करते हैं, जगदीप धनखड़ जी पद का दुरुपयोग करेंगे, कोई सवाल करेगा पद की गरिमा का ख्याल नहीं है, और जब पद की गरिमा से काम नहीं चलेगा तो मेरी जात का अपमान किया, जात की गरिमा पर आ जाएंगे। तो संविधान को ये परत दर परत नोचते हैं। जातिवाद और धर्मवाद, ये दो बैसाखियां लेकर ये संविधान को कुरेदते हैं। जी जी जी, धर्मवाद इस तरह से ये चलाते हैं, उसमें जातिवाद आएगा। पहले ऐसा सर भ्रम था, शायद मुझे भी कुछ हद तक था कि धर्मवाद ये करते हैं और जातिवाद दूसरी पार्टियां करती हैं। अब तो इस बार तो एकदम खुल्लम खुल्ला हो गया कि जातिवादी पार्टियां भी इन्हीं की पैदा की हुई है, इन्हीं के उपकरण है वो। जी 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 जी, संविधान पर इतना खतरा आने पर एक तरफ से आप पश्चिमी यूपी से गिनिए और बिल्कुल बंगाल के किनारे तक की पार्टियां, यूपी बिहार की गिन लीजिए, ये सारी पार्टियां संविधान का साथ छोड़ करके चली गई उनके साथ। लेकिन जनता इसके बाद भी समझ गई, जनता ने धोखा दे दिया इनको, संविधान के साथ खड़ी हो गई, या यूं कहें कि जनता ने अपना भला समझ लिया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो लोग क्या क्या करेंगे। लोग सरकार जब तक ईमानदार नहीं रहेगी तब तक वो काम नहीं करेगी, जब काम नहीं करेगी तो नौकरी नहीं देगी। नौकरी में जाने पर दो तरफा विकास होता है, जो व्यक्ति नौकरी पाता उसका तो होता ही होता है, वो जहां बैठकर नौकरी कर रहा होता उससे वो समाज को लाभान्वित करता है। तो दोनों व्यक्ति के जरिए उसका और उसी व्यक्ति के जरिए राष्ट्र का विकास होता है। सब कुछ खत्म। पंकज जी थोड़ा सा आगे बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, कमेंट्स में कई साथी लिख रहे हैं। अरे अरे सर जी, हाँ मैं तो सर कल से सही से सेट करूंगा, अभी मैं आज पहला दिन समझ नहीं पाया ना। जी अच्छा, कोई बात नहीं। जेपी सर कुछ कह रहे थे। जी मैं ये कह रहा था सर कि जो पंकज जी ने तो बहुत डिटेल में सब चीजें बताई, लेकिन आप हमको एक बात बताइए, पार्लियामेंट में जो लगातार सरकारी पक्ष से गलत बयानी हो रही है उसका संवैधानिक उपचार क्या है? प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, डिफेंस मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, गृह मंत्री झूठ बोल रहा है, बाकी मंत्रियों की तो छोड़िए, और वो जो गलत स्टेटमेंट दे रहा है उसको करेक्ट कैसे कोई करेगा और उसको कहां चैलेंज किया जाएगा? आपका जो स्पीकर है
वो सारे जो है वो क्या कहते हैं संसदीय मानदंडों को दूर करके और मनमाने ढंग से संसद चला रहा है, उसका उपचार जो है संवैधानिक उपचार कहाँ है? वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एक जो उच्च सदन का सभापति बैठा हुआ वाइस प्रेसिडेंट, उसका जो है अगर जो उसका जो वो जो गलत इस्तीफा उठा रहा है, जो असंवैधानिक कार्य कर रहा है, उसका उपचार कहाँ किस कानून में है? यहाँ पर संविधान हमारा शांत है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो पवित्र गाय इनको समझ करके और बिल्कुल इनकी तरफ ताकना भी नहीं चाहता, पता नहीं क्यों, आपसे बता दें। बोलिए सर नहीं सर, जी, मैं इस पंकज पे, जी। संविधान में उपचार है सर। संविधान में ये कल्पना नहीं की गई थी कि जिसको लोकसभा स्पीकर बना के खुद एक जज बना के बैठाया जाएगा, वो भी कोई गलती करेगा। पंकज जी, संवैधानिक मर्यादा को कुछ छोड़ दिया गया था कि अच्छे लोग आएंगे और इसकी नहीं सर, मैं मान्यता रखी उपाय जाए। बता रहा हूं। है सर, है उपाय, है संविधान में उपाय है, बता रहा हूं। जी पहली बात तो ये है कि ये जी कल्पना भी नहीं की गई थी कि लोकसभा के सभापति और राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे लोग इस तरह से अपने पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे कि जनता की परवाह नहीं करेंगे। और अब अगर जनता की परवाह नहीं करेंगे तो सर हम आप जो कर रहे हैं ना, यही उपचार है सर। ये संविधान के तहत हम लोग कर रहे हैं। ये जो वीडियो हम लोग बना करके जनता में आ रहे हैं, अनुच्छेद 19(1)(क) है। जो संगठन हम बनाएंगे 19(1)(ख) है। जो सड़कों पर उतरेंगे वो 19(1)(ख) है। जो सड़कों पर उतरेंगे 19(1)(ख) है। जो संगठन बनाएंगे 19(1)(ग) है। जो भारत भारत घूमेंगे वो 19(1)(घ) है सर। तो संविधान ने हमको दिया है अभिव्यक्ति की आजादी। ऐसे लोगों को अदालतों में नहीं रोका जा सकता। जो खुद शीर्ष पदों पर बैठ जाएंगे उनको केवल अदालतों से नहीं रोका जा सकता, फिर उनको जनता की अदालत में ले जाने के लिए संविधान ने कहा। और इसी नाते बाबा साहब ने सर एक बात और कही थी कि अगर जनता ही नहीं चाहेगी तो फिर कोई किताब रखवाली नहीं कर पाएगी। यानी ये जिस स्तर तक जाकर के गलत कर रहे हैं, अब वो अदालतों के बस की बात नहीं है, वो जनता के कहने पर बात चलेगी। और देखिए सर, जब जनता सड़क पर उतरी है और संविधान की महत्ता को समझे हैं सब लोग बड़े पैमाने पर, तो तुरंत गलत फैलाने वाले का, झूठ बोलने वाले का नो केवल ग्राफ डाउन हुआ। आज सर ये जो झूठ बोल रहे हैं, आज नहीं बोल रहे, ये विगत 10 साल से बोल रहे हैं, 11वें साल में प्रवेश कर गए, लेकिन पहले 10 वर्षों में इनके झूठ पर जनता की ये प्रतिक्रिया नहीं आती थी। अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग करते हुए कुछ क्रांतिकारी विचार के लोग, कुछ संविधान को बचाने वाले, प्राणपण से लड़ने वाले लोग और कई संगठन के लोग, ये बोलना भी संविधान के तहत है, संगठन बनाना भी संविधान के तहत है जी जी। तो इसका प्रयोग करके हमने काम किया। और सर मताधिकार भी संविधान के तहत है, जिससे इनको 60 सदस्य कम कर दिया गया। तो इसका उपचार सर लोकतंत्र में है, इसका उपचार न्यायपालिका नहीं कर पाएगी, इसका उपचार लोकतंत्र में है। और मैं तो सर एक बात ये मानूंगा कि ये जो गलत कर रहे हैं, इनके गलत की निंदा करते हुए भी मैं एक बात की तरफ रेखांकित करूंगा कि जनता के ध्यान में जो संविधान आ गया है, जो संविधान के शरण में जनता भागी है, समझने लगी है। हम जैसे लोग जो केवल स्कूल कॉलेज और कोचिंग वगैरह में पढ़ा रहे थे, आज आम जनमानस को संविधान पढ़ा रहे हैं तो 200-200, 300-300, 400-400 लोग जुड़ रहा है पढ़ने के लिए। ये हमारे देश को और आगे ले जाने का प्रयास है, ले जाने का एक अवसर आ गया है। ये हट जाएंगे तो हटना तय है, दूसरे जो लोग आएंगे अब उन पर जनता और ज्यादा नियंत्रण करेगी। और बाबा साहब ने जो एक जिम्मेदारी दी थी, जो चेतावनी वाले शब्दों में, कि अगर जनता नहीं समझदार रहेगी तो किताब कुछ नहीं कर पाएगी। किताब का मतलब किताब में लिखे सारे प्रावधान, जिसमें सभी संस्थानों का गठन और दायित्व तो भी आता है। तो जनता जागरूक हो जाएगी तो बाबा साहब की चेतावनी को जनता गंभीरता से ले रही है, उनके आशंका को दूर कर देगी और उनके चेतावनी को सकारात्मक लेते हुए इन संस्थानों का दुरुपयोग करने वालों को सबक सिखाएगी। जी मैं ये जी मानता हूं सर। कि जी नहीं, आप बहुत आसान्वित हैं त्रिपाठी जी, लेकिन मैं बहुत आसान्वित इसलिए नहीं हूं कि हम लोगों के पैरल इनके लिए राग दरबारी गाने वालों की संख्या भी कम नहीं है। वो चाहे बुद्धिजीवी के रूप में हो, चाहे वकील के रूप में हो, न्यायविद के रूप में हो, प्रोफेसर के रूप में हो, या धर्म प्रचारक के रूप में हो।
अब राहुल गांधी ने बार बार स्पष्ट रूप से कहा, मैं एक सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूं कि नहीं 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 मैं हिंदुओं के लिए नहीं, मोदी जी आप हिंदुओं के रहनुमा नहीं है, बीजेपी हिंदुओं वाली हिंदुओं नहीं है, आरएसएस वाली नहीं है, इसके बावजूद बाबाओं से लेके सबको मैदान में उतार दिया गया है ये कहने के लिए कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में। अवधेशानंद गिरी का व्याख्यान हमने देखा, जो सबसे बड़े जूने अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, अब उनका जितना फॉलोइंग है, अब समझ लीजिए आप मैंने किस तरह जो है ये धर्म की अफीम का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बीच में लड़ना। और हम लोगों की जो ये आवाज वीडियो वाली है, तूती की आवाज है, इनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो मोदी जी ने राहुल को खूब धोया, एक जवाब कायदे से नहीं दिया और खूब धोया, बारह बार पानी पिया, ये नहीं दिखा रहे कि बारह बार पानी पिया, अपनी छूट रही थी जवाब देने में, जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो बात ये है कि ऐसे बीच में हम लोगों को लड़ना है कि अपनी सही बात को लोगों तक सही ढंग से पहुंचाना, ये भी अत्यंत कठिन काम है। कभी कभी जब हम बहुत तेज लाइट में बैठे होते हैं, जो 2014 से पहले चल रही थी, और एकाएक बिजली कट जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो कुछ नहीं दिखता है, फिर थोड़ी सी रोशनी में भी धीरे धीरे दिखना शुरू होता है, और उसी छोटी ही रोशनी में फिर ज्यादा दिखने लगता है सर। तो मैं थोड़ा सा इसमें एक बात कहूंगा, आपकी आशंका सर जो है, मैं भी इस पर आशंकित था, मैं चिंतित था देख करके, थोड़ी देर बाद लेकिन मेरे समझ में आया है कि एक बात ये भी तो समझिए सर कि कल राहुल गांधी के भाषण की प्रतिक्रिया में जब मोदी जी बोलते समय कांग्रेस की आलोचना करने में यहां तक चले गए कि नेहरू जी की सरकार से बाबा साहब इसलिए इस्तीफा दिए थे क्योंकि वो कह रहे थे कि ये एससी एसटी के खिलाफ है सरकार, और सच्ची बात ये थी कि ये व्याख्या ही गलत है, ये व्याख्या गलत है, ये रेजिग्नेशन मैंने उसी पे आ रहा हूं सर। तो अब जो है, जो जनता जो पहले ये मानती थी कि नेहरू जी और बाबा साहब में कोई दुराव था, बहुत बड़े पैमाने पर लोग भर दिए हैं लोगों में ताकि समाज जुड़ कर ना वोट करे, बहुत बड़े पैमाने भरे हुए हैं। अब ये बात समझाने बताने का मौका आ गया कि अरे भाई, ये बाबा साहब और नेहरू जी का झगड़ा दिखाने के चक्कर में बाबा साहब को बौना कर रहे हैं, बाबा साहब का इस्तीफा देने का काम हिंदू महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए था। अब जैसे ही सर एक लाइन गई, जेपी सिंह सर जी, ये एक लाइन गई है, समझिए कि एंटीबायोटिक दवा जैसे असर कर दी है, समाज बहुत तेजी से ये सोचने लगा, अच्छा ये बाबा साहब की तारीफ नहीं कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे। सर नक्कार खाने में हम लोग तूती तो हैं, लेकिन हैं, आवाज हैं, और एक समय के बाद कोई भी चीज का पतन होता है, जब वो डाउन होने लगती है तो होती है, 10 साल के बाद कुछ डाउन हुआ है तभी आ गए हैं बैसाखी पर। और दूसरी बात सर, एक बहुत बड़ा एक प्रमाण मिला है कि लोकसभा पर जो वीडियो चली है राहुल गांधी जी की, वो करीब 6.5 लाख देखी गई, 7.25 लाख हो गई थी, मैं दोपहर में देखा था, मतलब करीब 4-4:30 बजे में देखा। मोदी जी की वीडियो 64,000 देखी गई है, मान लेते एक दिन का अंतर है, अखिलेश यादव की वीडियो 4.25 लाख देखी गई है। अब सर जानते हैं जेपी सिंह सर जी, देखिए उन्होंने क्या कर दिया हम लोगों के लिए, राहुल गांधी के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि ये 11 सेकंड के जब वीडियो वायरल किए तो वो भाषण कोई उनका ऐसा नहीं है जो सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध न हो, लोकसभा के प्लेटफॉर्म पर है, संसद टीवी पर है, और सारे चैनलों ने लाइव करके उसको रख रखा है, तो जैसे वो 11 सेकंड लोग देख रहे हैं वो चले जा रहे हैं वहां, और जो वहां जा रहे हैं तो देख रहे अग्निवीर का मुद्दा, नीट का मुद्दा। और एक बात और सर, आपने एक बहुत सही शब्द बोला है सर आपने, एक वाक्य का एक शब्द मैं पकड़ा हूं कि देखिए इन्होंने कितने बाबाओं को उतार दिया है सर, उतारे नहीं है लोग, उतार दिया है जी, उतार दिया है, कितने कमांडर उतारते हैं, जैसे कमांडर उतारते हैं। नहीं, अब देखिए जी, जी जी वाला जो ग्रुप है जी, सुभाष चंद्रा और प्लस जो क्या कहते हैं वो लोगों की क्या टाइटल है जो, अरे काफी इंडस्ट्रियल ग्रुप एक जमाने में बहुत तगड़ा रहा है, उसके वो राजगुरु हैं आपके, क्या कहते हैं, अवधेशानंद जी, अवधेशानंद गिरी अपने समर्थकों को इसलिए लेके उतर रहे हैं। हाँ, मतलब हाँ हाँ जी, बहुत बड़ी चीज गौर कल की थी
जब नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, मैं तो लाइव चला के बीच में पहुंच करके अपनी बात कहता था। मैंने एक चीज गौर की कि जब वो भाषण दे रहे थे तो पीछे उनके मंत्रियों के चेहरे एकदम सूखे हुए थे और स्पीकर महोदय इस तरह से मुस्कुरा रहे थे मानो अब कुछ ऐसी बातें कहेंगे कि जिसपे सदन समर्थन करेगा। बेचारे दो दिन से मुस्कुरा नहीं पाए थे, चेहरा जो सूखा हुआ दिख रहा था। सूखे चेहरे वाले इनके मंत्री विपक्ष की कुर्सियों की ओर देख रहे थे, शायद दो उम्मीद से देख रहे थे, या तो वो सोच रहे थे कि क्या उधर अब बैठना है क्या, और शायद इस उम्मीद से देख रहे थे कि भैया मेरे लिए कहीं व्यवस्था रखो। आप देखिए ना सर, कोई देखिए जो उनके बगल में मंत्री बैठे हुए हैं सबके चेहरे एकदम गायब है। मैं इनके देखिए इनके इनके सर देखिए, इनको बहुत अच्छा एक अवसर था माइलेज लेने का। अगर ये गठबंधन के सरकार के चलाते समय अपना पुराना अड़ियल अहंकारी व्यंगात्मक और कहानी सुनाने वाला चुमलेबाजी वाला तरीका छोड़ करके ये एक लाइन बोलते कि ठीक है भाई हम विपक्ष के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं, इसमें क्या है, देश आगे बढ़ेगा, तो अभी भी इनकी ऊर्जा बची थी, देश इनके तरफ उड़ जाता। लेकिन इन्होंने जिस तरह से बाल बुद्धि मंद बुद्धि शोले फिल्म का ये अब बहुत तेजी से जनता देख रही थी, इतना पहले कभी नहीं जनता देखी थी जितना इस बार का लाइव देख रही थी। जनता ने देखा है कैसे राष्ट्रपति के जरिए दही चीनी खिलवाई गई, कैसे स्पीकर दीपेंद्र हुड्डा को डांटे। तो सर ये सारी बातें जनता में थोड़ी थोड़ी ही गई है, वो आक्रोश पैदा की है, और इसी की देन है कि आज इनके उतार देने के बावजूद भी एक गुजरात की बजाय गुजरात में भी एक कार्यालय पर ये कहीं कुछ नहीं कर पाए। दो मुद्दे सर इनके फुस हुए हैं इतने ही दिन में, एक अनुप्रिया पटेल के जरिए जो इन्होंने आरक्षण की चाल चलने की कोशिश की थी, इनके मुंह से कहने पर न जनता सुन रही है, न वो ओबीसी के नेता सुन रहे हैं, न एससी एसटी समाज के नेता सुन रहे हैं, ये इनकी विश्वसनीयता घट गई। नहीं तो सर जो बात अनुप्रिया पटेल ने उठा दी यूपी सरकार के बारे में बहुत बड़ी बात थी, शायद वही बात कोई दूसरी पार्टी उठा दे तो समाज आएगा सड़क पर, लेकिन इनके कहने पर कोई नहीं आ रहा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे थोड़े थोड़े प्रयासों का बड़ा असर अब होने लगा है और ये होगा हुआ और ये हुआ भी है। जी जी जेबी सर, देखिए सर त्रिपाठी जी, संसद जब से अब की बार शुरू हुई है जी सर, तब से कोहने पर कोहना जो है दिखाई पड़ रहा है संसद में, चेहरा जो है कोहने की तरह लटका हुआ है। किसी एक आदमी का नहीं, राहुल गांधी जब बोल रहे थे, अखिलेश यादव जब बोल रहे थे, तो स्पीकर का चेहरा जरूर आपने देखा होगा जी। आप बताइए, राजनाथ सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई पड़ी, अमित शाह तो खड़े होकर रोने लगे कि साफ संरक्षित कीजिए हम लोगों को, तो आपको पता नहीं कौन से नियम से जी। हमने तो सर एक चीज और गौर की है जी, जब राजनाथ सिंह ने ये कहा कि अग्निवीरों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जा रहा है, पहले तो मैं बड़ी चिंता के साथ पीड़ा के साथ कहूंगा कि अगर जिंदा लौटेगा अग्निवीर तो कटोरा पकड़ाने वाले लोग कितनी बेशर्मियत से बोल रहे हैं कि हम 1 करोड़ का मुआवजा देंगे। यानी जब वो गुजर जाएगा, शहीद होना तो हम न कहेंगे, तो कह नहीं सकते क्योंकि सरकार तो शहीद मान नहीं रही है, तो उसको 1 करोड़ जो देंगे इतना उछल के बोल रहे हैं पूछिए मत। लेकिन कल मैं ये देखा कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जितना विपक्ष से डरे थे उतना ही वो शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह जी से भी डरे थे। डरे इसलिए थे कि ये सब हमसे ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। देखिए देखिए वो जो आपका अग्निवीर है, अग्निवीर को 40 लाख रुपए के करीब जो है वो उसका उससे मिलता है, बीमा से मिलता जी। और जो कि मतलब जो उसका जीवन का बीमा उससे मिलता है, वो सरकार उसको अनुग्रह राशि नहीं देती। इसके अलावा अगर वो अपंग हो जाता है तो अपंगता के परसेंटेज के अनुसार कि आप कई परसेंट अपंग है, उस अपंगता के अनुसार 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख उसको मुआवजा मिलता, वो 40 लाख भी नहीं मिलता। तो ये जो 1 करोड़ ऐसे उन लोगों को दिया जाता है वो मुआवजा नहीं, वो सरकार की तरफ से अनुग्रह राशि है। राजनाथ सिंह
साफ साफ झूठ बोल रहे थे। आज क्विंट में एक बहुत हाँ डिटेल स्टोरी छपी हुई है जी जी। अच्छा फिर कैमरा ऐसे जगह जा ही नहीं रहा था जहाँ दिखाई पड़ता कि गडकरी साहब बैठे हैं, वो कैसा चेहरा लेके बैठे हैं भाई। हमने तो नहीं, हमको तो नहीं दिखाई पड़े आपसे बता रहे कि वो मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं, मंद मंद जो है बैठे हुए आपसे बता रहे। और फिर राहुल गांधी ने तो इस बार यहां तक कह दिया कि राजनाथ सिंह और गडकरी डर के मारे हमारा अभिवादन तक स्वीकार नहीं करते। अब इससे ज्यादा कोई पार्लियामेंट में क्या बोलेगा आपसे बता रहे। बाकी ये संगठित रूप से जो है संविधान की लगातार अवहेलना कर रहे हैं और हम जुडिशरी को इसलिए इसमें शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे हाथ में है, जनता के हाथ में है। क्यों? क्योंकि जनता जिस दिन ये मान लेगी कि ये लोक सेवक हैं, ये हमारे मास्टर्स नहीं है, जनता राजा नहीं चुन रही है, जनता लोक सेवक लोक प्रतिनिधि चुन रही है। जिस दिन जनता ये कह देगी कि लोक प्रतिनिधि हैं, ये हमारे नौकर हैं, ये हमारे मालिक नहीं है, उस दिन से पूरा रूप बदल जाएगा, सरकार चाहे जिसकी हो। लेकिन अभी जो जनता के मन में है कि हम राजा चुन रहे हैं और इन लोगों को ये भ्रम है कि हम राजा हैं, हम जो है वो महाराजा अधिराज हैं आपसे बता दें। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी इजराइल और अमेरिका से बहुत प्रभावित है। अमेरिका से इस तरह प्रभावित है कि अमेरिका में 98% नौकरी जो है वो 11 महीने की होती है, हायर एंड फायर होती है, और 11 महीने बाद किसी को भी वहां बैठा दिया जाता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और उसके बाद 15 दिन से 3 महीना लगता है दोबारा नौकरी पाने में। उसमें भी जो तन मन धन से अपने अधिकारी के प्रति समर्पित होता है, जरा हमारे शब्द पर गौर कीजिएगा। अगर आप अधिकारी जो है आपके यहाँ रात में आपके घर पर आ गया तो आपको घर में नहीं रहना है, बीबी को समर्पित करके जाना है। ये मैं खुलेआम बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और नहीं तो फिर उसका जो है 11 महीने के बाद रिन्यूअल नहीं होगा। इसीलिए आप देखते होंगे अगर आपका कोई परिचित टेक्नोक्रेट अमेरिका में हो तो आप देखेंगे कि अब तक 20 जो है कंपनी बदल चुका है, बता रहे 10 साल से है, तो क्योंकि हर 11 महीने बाद कंपनी बदलना है, और नहीं बीबी को समर्पित करता है तो कंपनी नहीं बदलना पड़ेगा, बहन को समर्पित करता रहे तो कंपनी नहीं बदलना पड़ेगा। तो वो सब स्थिति ये भारत में भी लाना चाहते हैं, हायर एंड फायर वाला, पूरी पत्रकारिता को हायर एंड फायर कर दिया गया है। तो पत्रकार बेचारे नौकरी कर रहे हैं तो वो जो है वो जो जो उनको डिक्टेट जो है वो मैनेजर देता है, जो एक जमाने में मैनेजर की कोई जहां सब एडिटर के नीचे प्रूफ रीडर का जो है वो वेतन मान खत्म होता था, वहां से मैनेजरों का शुरू होता था। और इस समय मैनेजर संपादक को डिक्टेट करते हैं कि आप क्या कीजिए क्या न कीजिए। अभी तो बिल्कुल हायर एंड फायर है, एक आदमी परमानेंट जॉब नहीं करता, और ये कोई जो है वो क्या कहते हैं, 4 दिनों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है भारत की राजनीति में, पूरे भारत के स्तर पर, अगर मैं एक बदलाव जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ है जिसको हर भारतीय मान रहा है बताऊं, तो मेरी समझ से वो बदलाव ये है कि अब हर एक भारतीय जो तनिक भी राजनीति में रुचि रखता था, देखता था, कमेंट करता था, वो ये मान गया है कि विपक्ष ताकतवर हो गया है। और ये बहुत बड़ा बदलाव है, नहीं तो विपक्ष की आलोचना करने वाले और समर्थक ये दोनों यही कहते थे विपक्ष कुछ कर नहीं रहा, कर तो थे बेचारे लेकिन कहता नहीं था, मानता नहीं था, दिखता नहीं था। ये बहुत बड़ा बदलाव है, और इसकी एक वानगी तो संसद में दिखी, लेकिन एक वानगी डबल इंजन वाली सरकार में गुजरात में आप विपक्षी पार्टी के कार्यालय पर हमला करवा रहे हैं, इस रूप में सामने आई है। 2 घंटे की आपके वार्ता में 1.25 घंटे आप केवल एलओपी पे, लीडर ऑफ अपोजिशन पे बोल रहे हैं आप, ये चीज समझ में आ रही है। चलिए शुक्रिया आप दोनों का। जेपी सर कुछ फाइनल कमेंट्स? नहीं सर बस ठीक है, कल हम लोग फिर मिलेंगे और बहुत शानदार बहस के लिए, ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए, और मैं तो सुनता हूँ लगातार क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, पत्रकारिता का नहीं हूँ, पॉलिटिकल साइंस का नहीं हूँ, तो अपने जो अतिथि होते हैं, हमारे जो गेस्ट होते हैं, उनसे जो सुनते हैं उससे मेरा ज्ञान वर्धन होता है। पंकज जी ने भी यह शानदार बात कही कि संविधान सम्मान करने की चीज नहीं है, लागू करने की चीज है, सम्मान मत कीजिए। बाबा साहब का बहुत सम्मान कर लिए, मूर्ति के फूल माला खाली पहना रहे हैं और विचारों में ताला लगाए हुए। बहुत शानदार बातचीत के लिए जेपी सर, लगातार विभाग जैसे बोलते हैं वैसे बोलते रहे कि सब कोहरा कोहरा जैसा मुंह, कोहरा जैसे दिल्ली में जिसको सीताफल बोलते हैं कोहरा जैसा मुंह लटका हुआ और कच्चा सीताफल, कच्चा सीताफल जैसा लटका।
तो बहुत शानदार बातचीत, देखते रहिए अंबेडकर नामा। कल हम लोग फिर मिलेंगे किसी खास इशू पर। शुक्रिया, देखते रहिए अंबेडकर नामा। थैंक यू सर।